Hello, everyone. Welcome to Happy Milestone Family. बहुत समय पहले एक चींटी और एक टिड्डा एक अनाज के खेत के पास एक बगीचे में रहते थे। खुशमिजाज और प्रसन्न टिड्डा हमेशा अपना समय बगीचे में गाने और नृत्य करने में बिताता था। उसकी दोस्त छोटी चींटी हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। गर्मी के चरम पर भी चींटी पास के खेतों से अनाज अपनी पीठ पर लादकर अपने घर में सुरक्षित रखती थी। टिड्डा हमेशा मेहनती चींटी का मजाक उड़ाता था। वह अक्सर उससे यह सब काम छोड़कर गायन और नृत्य में शामिल होने के लिए कहता था। चलो मेरे दोस्त, इस गर्मी की धूप में पसीना बहाने की क्या जरूरत है, टिड्डे ने चींटी से पूछा। चींटी ने उत्तर दिया, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ। चींटी ने टिड्डे में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अनाज इकट्ठा करना जारी रखा। उसने खुद को ठंड और कठोर सर्दियों के लिए खाद्य आपूर्ति जमा करने में व्यस्त रखा, जब उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। टिड्डा उस पर हंसा और उससे कहा कि वहाँ जीवन भर के लिए पर्याप्त भोजन है। हालांकि चींटी ने पूरी गर्मियों में कभी भी काम करना बंद नहीं किया। टिड्डा बगीचे के पेड़ों की छाया में बैठा रहा और खुशी से गाता रहा। गर्मी धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन टिड्डे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसने चींटी को लगातार खेतों से अपने घर तक अनाज ले जाने से नहीं रोका। वह रुकी और अपने टिड्डी मित्र को सलाह दी कि वह अपने लिए भी सर्दियों के लिए भोजन का भंडारण करना शुरू कर दे। अपना समय बर्बाद करना बंद करो और कुछ भोजन इकट्ठा करना शुरू करो। आपको सर्दियों में इसकी आवश्यकता होगी, चींटी ने आग्रह किया। टिड्डा केवल मुस्कुराया और कहा, बहुत समय है, फिलहाल सब ठीक है। चींटी ने कंधे उचकाए और अपनी दिनचर्या जारी रखी। शीघ्र ही ऋतुएं बदल गईं। शीतकाल में तापमान जमा देने वाला हो गया और टिड्डे को एहसास हुआ कि उसके पास भोजन नहीं है। उसने कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वह इतना ठंडा था कि वह मुश्किल से पी पा रहा था। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। उसे अपनी अच्छी दोस्त चींटी की याद आई और उसने मन ही मन सोचा, वह मुझे जरूर कुछ खाना देगी, उसने बहुत सारा खाना बचा लिया है। वह जल्दी से अपने ठंडे पैरों को घसीटते हुए चींटी के घर की ओर चला गया। मुझे अंदर आने दो, क्योंकि मैं ठंडा, कमजोर और भूखा हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा। चींटी अपनी चींटी पहाड़ी से बाहर निकल गई। उसने टिड्डे को अंदर नहीं आने दिया। उसने उसे खाना देने से भी इनकार कर दिया। ठंडा और भूखा टिड्डा कमजोर था। मैं तुम्हारे लिए मुफ्त गाऊंगा, मेरे दोस्त, उसने विनती की। क्या तुम्हें याद है कि मैंने गर्मी के दिनों में कितनी कड़ी मेहनत की थी, चींटी ने टिड्डे से पूछा। मैंने ठंड के मौसम में खुद को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया। मैंने तुमसे भी ऐसा ही करने को कहा था। आपने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय मुझ पर हंसे। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि उसे गाने और बगीचे में आराम करने में बर्बाद करने के बजाय अपना समय बेहतर उपयोग करना चाहिए था। और अब बहुत देर हो चुकी थी। तो बच्चों, कहानी का उपदेश है, कल के लिए तैयार होने के लिए आज ही कड़ी मेहनत। If you enjoyed the video and want to have more fun, don't forget to click that subscribe button, give us a thumbs up, and share the love. Thank you.